साथियों, सबसे पहले आपको मैं हृदय से आपको और समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे देश ने एक अद्वितीय सफलता हासिल की है, चांद पर चंद्रयान 3 को उतार कर और भारत का परचम लहराकर। साथियों, हमारा भारत अब पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चांद पर, चांद के साउथ पोल पर, जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच सका, वहां पर चंद्रयान 3 को भली भांति और सुरक्षित और सफल लैंडिंग करवाकर भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन हमारे वैज्ञानिकों को, और समस्त देशवासी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल, मैं हूं दिलीप बावरिया। आप जो भी नए पासी बंधु मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और ही हमारा जो कुनबा है, हमारा जो संगठन है, उसमें भी विस्तार होता चला जाए। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, प्लीज चैनल को आप प्रसार करें, इसका प्रसारित करें, प्रचारित करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो यदि पसंद आते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि मैंने जो इसके पहले वीडियो डाला था चिराग पासवान को लेकर के, जिन्होंने बिहार में जो हमारे पासी समाज के लोग हैं और जो ताड़े का व्यवसाय करते हैं, उन पर वहाँ की सरकार ने, यानी बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ताड़े व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया था शराब के साथ साथ, जिससे उनकी रोजी रोटी छिन गई थी। तो दोस्तों, मेरा जो, मैं आपको बता दूँ, मेरा जो उद्देश्य है वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष से कोई लगाव या उसका विपक्ष को लेकर उसकी बुराई करना नहीं है। मैं विश्लेषण करता हूं और जो सही निष्कर्ष पर आकर के मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने उसे बताऊं, तो मैं वो काम करता हूं जिससे कि हमारा, जिसमें हमारा हित छुपा हुआ है, मैं वो काम करता हूं। मैं किसी एक पार्टी का, एक दल का, या किसी एक समाज का, किसी एक जाति का विशेष रूप से पक्षधर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी धर्म की और किसी जाति की के विपक्ष में बात करके या उसे किसी प्रकार का उसके मनोभावों को चोट पहुंचाकर मैं अपने वीडियो आपके सामने लाना चाहता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ दोस्तों ने, कुछ भाइयों ने मेरे ऐसे कमेंट किए हैं। उन्होंने कमेंट में ये लिखा है कि क्या आप 6 महीने पुराना वीडियो दिखा करके आप आखिर क्या बताना चाह रहे हैं, और ये भी कहा कि चिराग पासवान पासी जाति के नहीं हैं, वो दुसाध जाति के हैं। तो मेरे आदरणीय दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ तारीफ करें, आपके जो विचार हैं आप यहाँ पर रखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं उसका उत्तर आपको देता हूँ, आप थोड़ा विचार कीजिएगा कि मैंने एक बार और कहा था कि बात ये नहीं है कि ये वीडियो 6 महीने पुराना है या 1 साल पुराना है। दरअसल जो मुझे दिखाई देता है, खास करके सोशल नेटवर्क में, ये वीडियो यदि आप उठाकर देखें और याद करें कि हमारे भारत देश के जो राष्ट्रीय चैनल हैं बड़े बड़े, क्या उन्होंने इस न्यूज को दिखाया था? बिल्कुल नहीं। ये न्यूज कहीं भी नहीं देखने मिली हो। कुछ एक अपवाद चैनल है, न्यूज 24 जैसे, शायद उन्होंने दिखाया हो, मगर बाकी जो बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के चैनल हैं, उन्होंने बिल्कुल इस बात को अपने चैनल पर नहीं लाया, सामने नहीं दिखाया उन्होंने। तो पहला तो उद्देश्य मेरा ये है कि जब तक हम किसी चीज का को देखेंगे नहीं, उसके बारे में हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसे वीडियो जो हमारे समाज से विशेषकर संबंधित है, पासी समाज से, वो आपके सामने आए, यानी सभी पासी समाज के सभी सदस्य, एक एक हमारे समाज का एक एक व्यक्ति उसे देखे, तब वो उस निर्णय पर पहुंच सकता है कि क्या हमें, क्या इसमें अच्छा है, क्या बुराई है, वगैरह वगैरह। जैसा आपने कहा 6 महीने पुराने, मान गया मैंने, आपने वो वीडियो देखा है, यदि आप बिहार के हैं तो आपने देखा होगा, लेकिन सभी ने नहीं देखा है। तो मैं सबके बारे में सोच करके, पूरे समाज के बारे में, यहाँ तक कि हमारे पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे पास ही समाज है, उसको लेकर के मैं ये वीडियो बनाता हूँ और उन तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। तो साथियों, मुझे लगता है कि ये मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। और रही बात किसी का प्रचार करने की, जैसा आपने कहा कि क्या इसके आपको पैसे मिले हैं, बिल्कुल नहीं, मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। यदि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो वो भी मैं आपके सामने लाऊंगा, और ऐसा कुछ काम किया जिसमें उनका स्वार्थ है या हमारे पासी समाज को थोड़ा सा भी, हमारे पासी समाज का अहित है, तो भी मैं उसका विश्लेषण करके आपके सामने लाऊंगा और उसे मैं बताऊंगा।
यदि कोई अच्छा काम करता है हमारे समाज के लिए तो निश्चित रूप से वो प्रशंसा का पात्र है और हम उसकी प्रशंसा करेंगे और आपके सामने लाएंगे, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, और यदि उससे कुछ गलत होता है तो भी उसको हम आपके सामने लाएंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो जरूरी नहीं है, मैं उसका कोई प्रचार प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी व्यक्ति विशेष का, किसी नेता का, मैं विश्लेषण करता हूँ, मैंने जैसा आपको बताया और आपके सामने रखता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि वीडियो, जैसे मैं आप लोगों ने कहा कि पुराने वीडियो हैं, तो ठीक है मैं मानता हूँ पुराने हैं, मगर मुझे लगता है कि ये वीडियो अब तक उतने ज़्यादा हमारे समाज के सामने नहीं पहुँचे हैं, तो मैं उसका विश्लेषण करके उसे देखता हूँ सबसे पहले, और ये देखता हूँ इसमें क्या चीज़ है, क्या कहा गया है। जो वीडियो बनाया गया है, जो सामने नेता या जो भी व्यक्ति है जो कह रहा है हमारे समाज के बारे में, वो क्या कह रहा है, इससे हमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है, और उस विषय को लेकर के उस पर विचार करके उसका निष्कर्ष निकाल के मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ऐसा ही मैं बहुत समय से करता आ रहा हूँ और अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहता हूँ। तो आप अपने दिल से, अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का समर्थन कर रहा हूँ या किसी के विपक्ष में जा कर के बात कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, वो है पासी समाज। रही बात जाति की, यदि आप कहते हैं कि पासवान दुसाज जाति होती, पासी जाति नहीं होती, मैंने मान गया, और आप यदि ध्यान दें तो वहाँ पर मैंने जाति की कहीं बात नहीं की है कि वो इस जात के हैं उस जात के हैं, बस मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने पासी जाति के समर्थन में आकर के बात की और प्रशासन के सामने वो समस्या रखी एक नेता होने के नाते, ये मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और ये मैंने बात आप तक पहुँचाई है। अब मान लीजिए कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार या हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, यदि वो हमारे समाज को लेकर के कोई अच्छा निर्णय लेते हैं या हमारे समाज के हित में कोई योजना बनाते हैं और आपके न्यूज़ चैनल में उसको प्रसारित करते हैं, तो क्या हम उसे नहीं बताएंगे या हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसका वीडियो नहीं बनाएंगे, आप तक नहीं पहुँचाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारी जाति के नहीं है वो। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जाति वाली बात नहीं थी। जाति वाली बात कहाँ थी कि हम पासी समाज के हैं और हमारे पासी समाज के लिए उन्होंने ये बातें रखी और उन्होंने वहाँ पर चर्चा की और प्रशासन को इससे अवगत कराया। और आपका ये भी कहना है कि बिहार में सिर्फ पासी जाति ही ऐसी नहीं है जो ताड़े का व्यवसाय करती है, और भी समाज हैं, होंगे, हमें उनसे मतलब नहीं है, लेकिन जो बहुतायत है वो पासी समाज की है। और आपने एक चीज़ ये भी कही है कि ये इनका पारंपरिक धंधा नहीं है, पारंपरिक व्यवसाय नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ पारंपरिक नहीं है, लेकिन बहुत प्राचीन व्यवसाय है जो हमारा समाज इससे धनोपार्जन करता है और अपने परिवार का भरण पोषण भी करता है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमें इसकी समस्याओं को सामने रखना है, इस बारे में हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उनकी बातों को सामने रखना चाहिए और उस पर विश्लेषण करना चाहिए ताकि हम उससे अवगत हो सकें, हम जान सकें। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, आज मैं सिर्फ इतना ही बात कहना चाह रहा था, और एक बार फिर कहूँगा कि जो चंद्रयान पर हमारे भारत देश ने सफलता हासिल की है वो एक बहुत बड़ी मिसाल है, पूरे विश्व में हमारा देश नंबर एक पर आ गया है, क्योंकि असफलता जो होती है वो सफलता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है। आपको याद होगा चंद्रयान 2 कुछ समय पहले ही उसे चांद पर भेजा गया था और दुर्भाग्यवश वो चांद की सतह पर नहीं उतर पाया, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इसरो सेंटर में बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी थी, और उन्होंने जो इसरो के प्रमुख हैं एस सोमनाथ जी, उनको गले लगाकर ढांढस भी बंधाया था, संवेदना व्यक्त की थी और ये भी कहा था कि आगे चलकर हम सफलता हासिल करेंगे। और आज बड़ी खुशी का दिन है, बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि आज उस गलतियों को मद्देनज़र रख करके हमारे वैज्ञानिकों ने उस सुधार करके चंद्रयान 3 चंद्रमा पर भेजा और वो सफलतापूर्वक लैंड कर गया चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। और इस समय प्रधानमंत्री हमारे भारत में नहीं थे, वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए हुए थे, उन्होंने वहाँ से बधाई दी, और पिछली बार वो थे जब हमें असफलता हाथ लगी थी। तो आपको एक बार फिर इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, आप इसे ज़रूर देखिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे ही विषय को लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।